चलो कैमरा एंगल सेट नहीं करूं। हेलो वाइड तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। तो भाई आज आपका इवनिंग में जा रहा है सीधा घूमने साली। और मेरी हेलमेट जो हेलमेट का मेरे वाइज़र है वो ब्लैक है, और मैं अभी अंधेरी रातों में जा रहा हूँ और वाइज़र ओपन नहीं रह सकता, नहीं तो ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। एक रेफड़ा नहीं है, बहुत रेफड़े हैं। तो आज मैं और मेरा फ्रेंड सीधा जा रहे हैं नेस कैफ़े। अब हमने सोचा इवनिंग का टाइम है, चलो चक्कर लगाया अच्छा है उधर। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी बन जाएगा, आपके साथ बातचीत हो जाएगी, क्योंकि पिछला व्लॉग तो मेरा डिलीट हो गया था ना यार, तो उसके लिए सॉरी यार। ठीक है, आई होप आपको क्वालिटी तगड़ी आ रही हो। रात का टाइम है पर आई थिंक एक फ़ोन इतना कैपेबल है कि कैप्चर कर पाए रात की वीडियो। इनफ कैपेबल तो है ये, अब नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कंपनी वाल को दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे ब्रो। तो वाह, राइट नाइट का व्यू ही लागा ब्रो, राइट रात की राइड तगड़ी होती है। बस ये चक्कर है कि मेरा वाइजर अगर ब्लैक ना हो तो बाकी सब ओके है, वाइजर ब्लैक है इस वजह से। उसके बाकी जैसे सब ओके रिपोर्ट है, बस वाइजर की दिक्कत है। ओ चाचू ये कैमरा एंगल अभी भी मुझे सेट नहीं करने आया, दो ब्लॉग शूट कर लिए मैंने। छोटी सी प्यारी सी एक तो यार सच में वाइजर ब्लैक नहीं होना चाहिए बंदे का, वाइट इज गुड इनफ भाई। वाइजर ब्लैक, खाली ब्लैक वाइजर से अच्छा ना ब्लैक वो ले लो आप, उस ग्लासेस आते हैं जो हेलमेट के अंदर वो कैरी कर सकते हो। वो ठीक रहते हैं ब्राउ ब्राउ ब्राउ, बहुत रश डे लगे इन्होंने। ओ चाची चलो आगे, हमने भी जाने ही। ओ देखो भागा रामू काका, हाँ हाँ सब्जियां ले ले घर के लिए। ये भगाएगा और मैं नहीं भगा सकता क्योंकि मैंने फोन टंगाया आगे और मैं इतना लंबा रिस्क नहीं लूँगा। ओहो खड्डे पे खड्डा, खड्डे पे ओ यार कितने खड्डे हैं भाई इधर, खड्डे कहाँ कहाँ से आते हैं खड्डे यार। बस कैमरा एंगल सेक्सी हो, और मेरे पब्लिक, माय पब्लिक इज सो गुड, 400 करवाओगे ना? कैसे रिश्वत लेता हूँ ना मैं। सॉरी यार क्या करूँ, ये तो प्यार है हमारा आपका, इसलिए मैं आपके साथ ऐसी बातें करता, नहीं तो कौन करता ब्रो। इसके साथ स्पीड भी मैच करनी पड़ेगी, तो ये भाग गया आगे तो मैं पीछे रह गया फिर, ये भी है ना। ओ नाइस नाइस ट्रक, ओ नाइस ट्रक ब्रो, नाइस ट्रक। यार वाइजर से सच में कुछ नहीं दिखता, ये तो अंधेरी रात है खाली। भगवान ये क्या होगा वाइजर से, तेरे बिना क्या जीना। ओ, कैसे गाने गा रहा हूँ यार मैं, सच में राइट में मैं ऐसे ही गाने गाता हूँ, टाइम पास इज कॉल्ड टाइम पास। ओ भाई हेलो हेलो हेलो, कुछ नहीं बिगड़ा ब्रो, थोड़ा वाइजर ओपन करना पड़ेगा गाइस, सॉरी फॉर वीडियो क्वालिटी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे करना ही पड़ेगा ओपन क्योंकि मुझे दिख ही कुछ नहीं रहा है ना, ये तो देखो ना आप, दिख नहीं रहा है भाई कुछ। Thank you.
क्योंकि मैं इतनी फास्ट चलाता नहीं हूँ, बट ट्रैफिक है तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, दैट्स वाई हमें पहुँचना भी है, तो इसी वजह से बड़ा कारण यही है। नहीं तो यूजली मैं इतना टिक नहीं उठाता हूँ पिकअप इसके, क्योंकि मेरे को मज़े से ड्राइव करने में मज़ा आता है, सही बताऊँ तो। ये ट्रैफिक है और हम दोनों के पास टाइम की शॉर्टेज है, घर भी आना है और इवनिंग के लिए निकले हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखो मैंने क्या कहा था, लोग बीच रोड में कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ब्रो। थोड़ा मैं एंगल सेट कर रहा था, पीछे मुझे लोग हॉर्न मार रहे, भाई तू कर क्या रहा है भाई, कैमरा सेट कर रहा था यार, इनको समझाओ भाई, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैमरा सेट नहीं करेगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा ना कि भाई क्या बोल रहे क्या नहीं। ये वाइजर चेंज करवाऊँगा यार मैं इवनिंग के लिए, क्योंकि इवनिंग में अगर ब्लॉग शूट करना पड़े तो मुश्किल है ब्रो, इवनिंग के लिए कैमरा एंगल चेंज, मतलब सॉरी वाइजर चेंज। अंकल हाँ फटी हुई अभी डाले, बोल रहा था स्वेटर डाल ले, ओए डालनी है स्वेटर तेरे को, स्वेटर डालनी है तेरे को, दूँ तेरे को स्वेटर दूँ भाई, फट जाएगी सच बता रहा हूँ, अंगारे निकल जाएंगे जैसे। हाँ तो बुद्धि ठंड नहीं है, तभी तेरे को बोला था मैंने, दूँ स्वेटर घर पे दर वापिस दे देना घर पे, नहीं लग रही ठंड, ठीक है फिर तेरी मर्जी। नहीं वाइजर ब्लैक है ना, अवॉइड करवाना पड़ेगा इसको, अब हेलमेट तो अभी नहीं आ सकती, नहीं पर वाइजर चेंज कर सकता हूँ मैं, हैं नहीं दिखता भाई मेरे को, दो मैंने 10 मिनट के लिए लगाया, मुझे लगा साइको बज रहे थे मेरे को इसमें, वो तुझे ऐसे नहीं दिख रहा, मुझे ऐसे भी नहीं दिख रहा है, मेरे को ऐसे भी नहीं दिखता, हाँ ब्लैक बिल्कुल ऐसे अंधेरा ही आ जाता है। मैंने 10 मिनट जेल लगाया, मैंने खोल ली, मैं भाई रहने दे तू ब्लॉग बचूंगा तो ब्लॉग डालूंगा ना आगे। उसके साथ कोई हमारा मुकाबला नहीं। किधर किधर अटकाओगी, यहाँ वो उनका शायद उनका लेना देना नहीं होता आपस में, यहाँ पे लगा दे, फाइनली गाइस हम नेस्कैफे पहुँच गया, देख सकते हो आप मेरे हेलमेट से दूरदर्शन आ रहा है आपको पूरा, और यही जाएगा लेने, मैं तो जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने हेलमेट लिया, तो मैं हेलमेट डाल के साथ नहीं जाऊँगा भाई, ठोकने के मूड भी हो गया, अब ये जाएगा तो लेके आएगा, ठीक है तो अब खा पी के फिर निकलेंगे इधर से। भाई अंदर आ चुके हैं, ये बंदा मान नहीं रहा था, मैंने इसको बोला सस्ता टिकाऊ काम कर, एक कॉफ़ी पकड़ ले एक मैगी पकड़ ले, लेकिन नहीं भाई इसको फ्रैपे भी नहीं है, ये फ्रैपे के चक्करों में था, पर नहीं मानी इसने मेरी, फिर भी मेरी चलती काम रहो तो मानी तो नहीं इसने मेरी, फिर देर अब जो खाना इसने मेरे, मैंने बोला भाई देख ले अब तो अमीरी, इतना अमीरी जीना चाहता था, अमीरी जी रहा है ये फ्रैपे फ्रूपे ले के मैगी शैगी ले के, अब ये अमीरी जिएगा उसके बाद फिर हम खा लेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे, ऐसे ही अगर मेरे को इवनिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाए ना तो मैं ब्लॉग शूट कर लूँगा इसमें, लेकिन मिलता नहीं है एज यूजल, आज अचानक प्लान बना तो मैंने बोला चल चल भाई, लेकिन ये चक्कर है कि यार आज वाइजर ओपन होगा तो आवाज़ तो आवाज़ की बच गई मुझे पता है। तो गाइस सीन ऐसा है कि अब जाते वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि इसको हो रहा है लेट, और ये कहता जल्दी जाना है और जल्दी जा मैं, हाँ
देख ये भी है मेरे व्लॉग में, आप देख सकते हो। कह रहा था मेरे को व्लॉग में नहीं लाया फ्रावा, इसको व्लॉग में कैसे लाऊं, मेरा हेलमेट वैसा ही है, वो कुछ नहीं लाता, खाली मुझे भी नहीं लाता मेरे को मोटो व्लॉग में। तो ये कह रहा मुझे लेट हो रहा है, तो जल्दी जाएंगे ना तो फिर फ़ोन नहीं आगे होल्ड नहीं कर पाऊँगा मैं, इसी वजह से फिर फ़ोन अब मैं पॉकेट में डाल दूँगा या बैग में डाल दूँगा। तो जल्दी से आना है घर। तो फिर यहीं तक की थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मुझे पता है मैं अच्छा बनता हूँ और यार शेयर भी करो यार, सब्सक्राइब करो, 400 में कितना टाइम है, होंगे 6-7 होंगे खींच के, कर दो यार। एक वीडियो हमें अभी डाली है शाम, तो एक कल या परसों तक आ जाएगी। तो ब्रो कीप शेयरिंग, कीप लविंग, गुड बाय, जय माता। ये मुझे बुला रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे बुला रहे हैं।